जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके के अंदर। देखो, कल के वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे जो हमारे मसल्स हैं उन मसल्स के जितने भी टाइप थे वो हमने सारे टाइप यहाँ पे समझ लिए थे। सबसे पहले कंकालीय मसल्स हमने पढ़ा था, फिर हृदय पेशी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, फिर हमने यहाँ पे चिकनी पेशी के बारे में पढ़ा था। तो आसानी से आप इनको डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हो और इनके जो करेक्टर्स हैं वो भी आपको मैंने बताए थे कैसे याद करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। जो भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं वो कमेंट्स ज़रूर करना, मुझे भी लग रहा है कि जो क्लास में बना रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इनके लगातार यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमने यहाँ पे जो पेशी है इस पेशी की संरचना पढ़ी थी। यहाँ पे पेशी की संरचना के अंदर देखो, हमने कंकालीय पेशी को आधार मानकर इसकी संरचना पढ़ी थी, तो ये बात भी आप विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना। देखो, सारी चीज़ें मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, आप चाहे तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मैं आज क्या करूँगा कि एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन है वो समझाऊँगा और साथ में डाइग्राम और साथ में इसका जो एनिमेशन रहेगा वीडियो का वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसके कारण यहाँ पे कंप्लीट आपको पेशी के बारे में जितना भी पोर्शन होगा वो पेशी का कंप्लीट याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने बात की थी यहाँ पे कि इसके अंदर यहाँ पे जो अंतःपरदेवी जालिका होती है पेशी के अंदर, ठीक है। तो उस अंतःपरदेवी जालिका होती है उसे हम यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं अंतःपरदेवी जालिका को इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे पेशी के अंदर है तो इसको हम यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। अभी जो क्लास में ले रहा हूँ, बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हॉस्टल से क्लास चल रही है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करो मैं हॉस्टल के रूम के अंदर से, तो ये बैकग्राउंड आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, कपड़े वगैरह टांगे हुए, ठीक है। तो कैल्शियम आयनों का भंडार गृह होती है, तो ध्यान में रखना अंतःपरदेवी जालिका जो मैंने कल बताया था उसमें कैल्शियम आयन्स का भंडार पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। क्योंकि जब हम पेशी के अंदर संकुचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात आएगी भी कैल्शियम का अभिगमन होता है और पेशी होती है उसके अंदर यहाँ पे कुछ क्रिया विभव उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर काम में आएगी, इन चीज़ों को आप याद रखना यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट, पेशी रेशा की एक विशेषता, पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति होती है। अब पेशी रेशा मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्या होती है, समांतर रूप से अनेक तंतु उपस्थित होते हैं और उन तंतुओं को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पेशी तंतु कहा जाता है। तो सबसे पहले पेशी, पेशी के बाद पुलिका, पुलिका के बाद रेशे, रेशे के बाद में क्या होती है यहाँ पे, तंतु। इस प्रकार से आपको संरचना याद रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो पेशी तंतु है इस पेशी तंतु में क्या होता है यहाँ पे, लगातार कुछ हल्के और यहाँ पे गहरे पट होते हैं। तो मैंने आपको हल्के और गहरे पट भी बताए थे, अब ध्यान में रखना है इस रेखित के रूप में इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। और वो प्रोटीन मैंने दो प्रकार के कल आपको बता दिए थे यहाँ पे, एक तो एक्टिन प्रोटीन और एक कौन सा होता है, मायोसिन प्रोटीन। देखो, चीज़ों को रटना नहीं, आप इन चीज़ों का आरेख बनाकर लिखिए। जैसे कि कल मैंने आपको आरेख बताया था यहाँ पे कि जो पेशी तंतु होता है इसके अंदर यहाँ पे कुछ आपके हल्के बैंड भी होते हैं, मतलब आपके हल्का पट भी होता है, और एक क्या होता है इसके अंदर यहाँ पे गहरा पट। इस प्रकार आरेख बनाई, माइंड में बनाई, डायरेक्ट चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। हल्के बैंड होते हैं इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन, तो इस प्रकार आप यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन लिख लीजिए। गहरा बैंड होता है इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन, कौन सा होता है यहाँ पे, मायोसिन। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना एक्टिन प्रोटीन होता है जो हल्का बैंड होता है, इसे हम यहाँ पे आई बैंड कहते हैं, कौन सा कहते हैं यहाँ पे, इसको आई बैंड कहा जाता है। आई को हिंदी में कहते हैं हम यहाँ पे समदेशिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो आपके जो मायोसिन होता है प्रोटीन, इसमें आपके गहरे बैंड के अंदर पाए जाते हैं, और इसे हम कौन सा बैंड कहते हैं यहाँ पे, ए बैंड कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। एक एन आइसोट्रॉपिक का मतलब हो जाएगा विषमदेशी। इस प्रकार से आप क्या करिए कि हर एक चीज़ का माइंड मैप बनाइए और आसानी से चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको चीज़ें यहाँ तक समझा दी माइंड मैप के द्वारा। अब देखो, ये जो दोनों प्रोटीन है छड़नुमा संरचना में परस्पर समांतर पेशी रेशक के अनुदैर्ध्य समांतर व्यवस्थित होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार समांतर ऊपर की ओर, ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित होते जाते हैं, ठीक है। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में क्या होते हैं, पतले, वो हमने यहाँ पे देख लिया भाई, एक्टिन तंतु तो होते हैं पतले लेकिन मायोसिन तंतु क्या होते हैं यहाँ पे, मोटे होते हैं। इन्हें क्रमशः पतले व मोटे तंतु कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड के मध्य इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ जेड रेखा, मतलब प्रत्येक आई बैंड होगा उस आई बैंड के बीच में एक रेखा पाई जाएगी और उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जेड रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, जेड रेखा कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो,
कि हमारे सामने यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, मैं इसको थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखाई दे जाए। अब आप इस डायग्राम को देख सकते हो, ये हमारे सामने क्या है, यहाँ पे जेड डिस्क, ये क्या है हमारे सामने, यहाँ पे जेड डिस्क, ठीक है। और इस जेड डिस्क के अंदर देखो यहाँ पे आई बैंड है, ये हमारे सामने पूरा का पूरा कौन सा बैंड है, यहाँ पे आई बैंड। इसको विभाजित करने वाली ये जो बीच में यहाँ पे ये जो रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जेड लाइन कह सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे क्या कह सकते हो, इसको जेड डिस्क कह सकते हो। तो आप आसानी से इन चीज़ों को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हो, यहाँ पे याद भी चीज़ें आपके देखी हुई ज़्यादा याद रही। तो मैंने चीज़ें आपको बता भी दी, आपने देख भी ली, समझ भी लिया और पढ़ भी लिया। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी, आप टेंशन ना लें, यहाँ पर बस चीज़ें समझने की कोशिश करना आपको। तो ये जेड रेखा हो गई हमारे सामने यहाँ पर। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ए बैंड के मोटे तंतु, ए बैंड के मध्य में एक पतली झिल्ली होती है एम। तो ध्यान में रखना, इसको भी माइंड मैप के अंदर यहाँ पे चीज़ें लिख लो। कैसे लिखनी है सर, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। भाई हमने बात की थी यहाँ पर कि जो हमारे सामने आई बैंड है, और इस आई बैंड है, इस आई बैंड के अंदर कौन सी लाइन पाई जाती है, यहाँ पर जेड लाइन होती है, ठीक है। और ए बैंड है, ए बैंड के अंदर कौन सी लाइन होती है, यहाँ पे एम लाइन। बस ये माइंड मैप बन गया और ये चीज़ें याद हो जाएगी आसानी से, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये चीज़ आपको इस प्रकार से क्या करनी है, आसानी से याद करनी, ठीक है। नेक्स्ट, पैसी रेसा है, इसकी पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। एक को छोड़कर एक इस प्रकार एकांतर क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित। दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पैसी रेसा का एक संकुचन कार्य इकाई बनाता है, जिसे सार्कोमियर, मतलब दो जेड रेखाएं होगी उनके बीच का जो संकुचन का भाग होगा वो सार्कोमियर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी आपके मान लो इस प्रकार से जेड लाइन है और यहाँ पर भी जेड लाइन है, ये आपके पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, यहाँ पे सार्कोमियर कहलाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस प्रकार क्या कहलाएगा, यहाँ पे सार्कोमियर कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा भाग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सार्कोमियर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद करना है। विश्राम की अवस्था में आपके पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के सिरे के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर क्या होते हैं, आच्छादित। इसको भी हम याद करते हैं, आसानी से चीज़ें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको चीज़ें समझाते हुए चलूँगा, आपको चीज़ें रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब ध्यान में रखना, जो मोटे तंतु होते हैं जिसे हम यहाँ पर मायोसिन तंतु कहते हैं, मायोसिन तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता है उसे एच क्षेत्र कहते हैं। मतलब मोटे तंतु होंगे जो मायोसिन के होंगे, वहाँ पे पतले तंतु नहीं पाए जाते, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एच क्षेत्र कहेंगे। तो ये भी चीज़ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, कि जो डायग्राम है हमारे सामने सर, उस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हो। ये हमारे सामने एच क्षेत्र आप देख सकते हो, यहाँ पे एच क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके आई बैंड नहीं है, देख लो ये ए बैंड है पूरा का पूरा, और इसके अंदर आई बैंड नहीं है, मतलब ए बैंड है, ए बैंड के अंदर मतलब मायोसिन प्रोटीन, इस कारण से यहाँ पे क्या होगा कि ये एच क्षेत्र होता है। तो एच क्षेत्र भी आपको विशेष तौर से क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये तो हुई हमारे सामने पेशी की संरचना। अब हम बात करते हैं कि इस पेशी के संकुचन के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो प्रोटीन कौन सा होगा, तो उस प्रोटीन की हमें यहाँ पे संरचना पढ़नी पड़ेगी, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तभी आपको इस पेशी की जो संकुचन की जो क्रियाविधि है वो आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। जैसे कि देखें, हम यहाँ पे इसके ऊपर चलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, कि प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो एफ, जिसे हम तंतु में एफ का मतलब हो गया है फिलामेंट, क्या हो गया, फिलामेंट, और फिलामेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे तंतु, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिलामेंट का मतलब हो जाएगा तंतु, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो एक्टिन और प्रोटीन होते हैं वो सर्पिल रूप में एक दूसरे पर क्या होते हैं, कुंडलित होते हैं, और जिसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में तंतु में लिखा मतलब एफ, ये किसका बना होता है, यहाँ पे एक्टिनों का बना होता है, ठीक है। और प्रत्येक एफ एक्टिन है होता है ये जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। तो हमारे सामने एक तो सर्पिलाकार हो गया और एक कैसा हो गया, यहाँ पे गोलाकार, ये हमारे सामने एक्टिन प्रोटीन की क्या हो गई, यहाँ पे दो इकाइयाँ होगी। कम्प्लीटली हम इसके अंदर चीज़ें आपको समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे सामने एफ एक्टिन है, ये एफ फिलामेंट है यहाँ पे, और ये कैसा है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये फिलामेंट हमारे सामने यहाँ पे गोलाकार है, कैसा है यहाँ पे, ये गोलाकार, आप जो इसके अंदर यहाँ पे संरचनाएँ देख रहे हो इस प्रकार की, ये गोलाकार संरचनाएँ यहाँ पे क्या हो जाएगी,
तो ध्यान में रखना, एफ एक्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? एफ एक्टिन। और इस प्रकार सर्पिल रूप में एक दूसरे के ऊपर क्या होती है यहाँ पे? व्यवस्थित होती है। आप देख सकते हो इस प्रकार सर्पिल रूप में एक दूसरे पर क्या होती है यहाँ पे? व्यवस्थित। आगे बात समझ में, यहाँ पे चीज़ें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीज़ें समझते हुए चलोगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे सामने है कि एक दूसरे, एक मिनट ये पेन एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, एक दूसरे प्रोटीन जिसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। एक तो हमारे सामने कौन सा हो गया यहाँ पे? एक्टिन प्रोटीन। दूसरा कौन सा? ट्रोपोमायोसिन। अब देखो क्लास को मैंने पॉज भी किया था बीच में और वापस स्टार्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि कोई स्टूडेंट आ भी जाते हैं तो वापस रूम का गेट खोलना पड़ता है, डिस्टर्बेंस भी चलता है थोड़ा बहुत, है ना, इसलिए क्लास भी आपकी प्रॉपर टाइम पर नहीं हो पाती। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहूँ यहाँ पे कंटिन्यू। तो अब हमारे सामने देखो संकोचनशील प्रोटीन के अंदर दो प्रकार का, एक तो एक्टिन प्रोटीन था, उसकी एक तो एफ इकाई और एक जी इकाई थी, ये तो हमें समझ लिया डायग्राम के थ्रू। अब हमारे सामने दूसरा जो प्रोटीन होता है जिसे हम यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु होते हैं, दो तंतु, ठीक है। एक तो एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं और एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतराल पर फैले होते हैं। अब इस लाइन को समझने की थोड़ी कोशिश करना, डायग्राम के थ्रू मैं ये लाइनें समझाऊंगा कहाँ से कहाँ तक। एक दूसरे प्रोटीन यहाँ से लेकर अंतरालों पर पाई जाती है, इस बात को देखना आप कम्प्लीटली यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना, रटना बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे सामने आप डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। और इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये गोलाकार जो संरचना बनाई, ये तो एक्टिन प्रोटीन की है, कौन से प्रोटीन की? एक्टिन। लेकिन इसके ऊपर ये आप जो येलो कलर की ये जो संरचना ये देख रहे हो आप, येलो कलर से आपके इसके अंदर जो फिलामेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फिलामेंट आपके यहाँ पे कौन सा प्रोटीन होगा? तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे? ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है। अब इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आप ये देख सकते हो कि आपके इस प्रकार की ये जो संरचनाएं हैं, इस प्रकार के आपके लट्टू के समान ये जो तीन तीन संरचनाएं लगी हुई होती है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे ट्रोपोनिन। क्या कहते हैं यहाँ पे? ट्रोपोनिन। तो टोटल हमारे सामने तीन प्रकार के प्रोटीन हो गए, एक तो एफ एक्टिन प्रोटीन हो गया, एक ट्रोपोमायोसिन हो गया और एक आपके ट्रोपोनिन हो गया। एक बार इन बातों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। एफ एक्टिन गोलाकार सर्पिलाकार कुंडलन रूप में रहता है, इसी के ऊपर क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन सर्पिलाकार यहाँ पे क्रम में पाया जाता है, और इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर तीन तीन के अणु के रूप में ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है यहाँ पे? ट्रोपोनिन। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे, तो इस बात को आपको विशेष तौर से क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट हमारे सामने है यहाँ पे कि विश्रांति की अवस्था, मतलब विश्राम की जब अवस्था होती है, विश्राम का मतलब जब हमारी मांसपेशियों के अंदर संकुचन यहाँ पे नहीं हो रहा है, उस समय की यहाँ पे बात की गई कि जब हमारी मांसपेशियों के अंदर संकुचन नहीं होता है तब क्या होता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के मध्य बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक लेती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं इस डायग्राम को वापस लाने की कोशिश करूँगा कि भाई ये हमारे सामने जो स्थल थे यहाँ पे, जो मैंने येलो कलर से आपके सामने डिनोट किए थे, इन येलो कलर के ऊपर यहाँ पे क्या होगा? मायोसिन प्रोटीन आकर के चिपकेगा। क्या होगा यहाँ पे? मायोसिन प्रोटीन आएगा। लेकिन मायोसिन प्रोटीन की जगह किसने घेर ली यहाँ पे? ट्रोपोनिन ने घेर ली। तो ट्रोपोनिन को हटाना तो पड़ेगा, जब तक ट्रोपोनिन यहाँ से नहीं हटेगा तो मायोसिन नहीं जुड़ेगा, और मायोसिन नहीं जुड़ेगा तो मांसपेशी के अंदर संकुचन नहीं होगा। मतलब इस एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जब मायोसिन प्रोटीन लगेगा तभी आपके संकुचन होगा, नहीं तो संकुचन नहीं होगा। तो इसके सर एक्टिन प्रोटीन के ऊपर क्या जुड़ा? ट्रोपोनिन। अब इस ट्रोपोनिन को हटाना पड़ेगा, और ट्रोपोनिन हटेगा तभी मायोसिन जुड़ेगा, और मायोसिन जुड़ेगा तो पेशी के अंदर क्या होगा यहाँ पे? संकुचन होगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे? देखो चीज़ें समझ में आ रही तो कमेंट्स करते रहो, मुझे भी लग रहा है कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें भी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो मायोसिन है, इस मायोसिन के बंधने वाले जो स्थल होते हैं, मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को क्या कर लेते हैं यहाँ पे? ढक लेते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे मतलब सक्रिय स्थानों को ढक लिया। अगर वो स्थान वहाँ से अलग हो जाएंगे तो मायोसिन जुड़ेगा और पेशी के अंदर क्या होगा? संकोचन। तो प्रत्येक मायोसिन तंतु भी एक बहुलीय प्रोटीन, देखो हमने पहले एक्टिन प्रोटीन की संरचना पढ़ी थी,
अब हम यहाँ पे जो संरचना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मायोसिन प्रोटीन की संरचना, कि मायोसिन प्रोटीन की संरचना कैसे होती। तो कई एकलक की प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं एक मोटा यहाँ पे तंतु बनाती है। मतलब इस मायोसिन के अंदर एक तो मेरोमायोसिन होता है, प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक तो भुजा रहित गोलाकार सिर होता है इसके अंदर और एक कौन सा भाग होता है यहाँ पे पुच का भाग होता है। ठीक है, इस बात को आप विशेष तौर से क्या करना है ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एक तो पुच का भाग होता है और एक आपकी गोलाकार भाग होता है, ठीक है, सिर का भाग होता है इसके अंदर यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे कि भारी मेरोमायोसिन और पुच को हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं। मतलब जो शीर्ष भाग होगा उसको भारी मेरोमायोसिन, एच का मतलब हैवी, एम का मतलब मेरो और एस एम का मतलब मायोसिन, ठीक है, हैवी मेरोमायोसिन, और पुच होता है इसको हम कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन कहा जाता है। आई बात समझ में यहाँ पे। तो आपके सामने ये जो डायग्राम आप देख रहे हो सांप के समान आप जो संरचना कहते हो आप इसको, इसके अंदर ये भाग है यहाँ पे पुच का भाग, ये जो भाग है यहाँ पे ये किसका भाग है यहाँ पे पुच का भाग है, ठीक है, ये कौन सा भाग हो जाएगा यहाँ पे पुच का भाग हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, पुच का भाग, और ये जो आपके भाग है यहाँ पे कौन सा है शीर्ष का भाग हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे समझना थोड़ा कि भैया हमारे सामने ये भी आपके सर्पिलाकार क्रम में इस प्रकार शीर्ष भाग का निर्माण हुआ है यहाँ पे, इसमें भी शीर्ष भाग और इसमें कौन सा यहाँ पे पुच भाग। शीर्ष भाग को हम कहते हैं यहाँ पे HMM कहा जाता है और पुच भाग को हम यहाँ पे क्या कहते हैं LMM कहा जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई, मतलब लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ोगे तो आसानी से यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है यहाँ पे, मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर वह छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी नियत कोण पर ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं जिसे हम क्रॉस भुजा कहते हैं। तो ये बाहर की ओर जो उभरा हुआ भाग है इसे हम कौन सी भुजा कहते हैं यहाँ पे, इसको क्रॉस भुजा कहा जाता है। ये बात भी आपको क्या करना है विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी हो गई क्रॉस भुजा हमारे सामने। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे आप पढ़ो, अब क्या होता है गोलाकार सिर है, इस गोलाकार सिर एक सक्रिय एपिटेज एंजाइम जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे ATP कहते हैं, यहाँ पे जिसमें ATP के बंधन स्थान एक्टिन के लिए क्या होता है यहाँ पे सक्रिय स्थान। मतलब यहाँ पे एक तो ये ATP के लिए आपके स्थान है, ये ATP है, यहाँ पर ATP जुड़ेगा ध्यान में रखना, ATP योजी स्थल, तो ये हमारे सामने दो ATP योजी स्थल, इसके ऊपर ये दो भाग और देख रहे होंगे जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे एक्टिन योजी स्थल। मतलब जो हमारे सामने एक्टिन प्रोटीन है इसके ऊपर वाला जो भाग होगा कैसे जुड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना भाई। ये हमारे सामने यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो भाग है ये चल कर के यहाँ पे इस वाले भाग के ऊपर जुड़ेगा, या फिर हम कहते हैं यहाँ पे इस वाले भाग के ऊपर ये जुड़ेगा, तब क्या होगा मांसपेशी के अंदर संकुचन होगा। तो इस संकुचन की कंडीशन को आप ध्यान में रखना, संकुचन कब होगा, क्योंकि ये हमारे सामने पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये कौन सा है सर यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन का भाग है, ठीक है, और ये कौन सा है यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन का हमारे सामने यहाँ पे भाग है। तो मायोसिन के ऊपर जब एक्टिन के ऊपर जब मायोसिन जाएगा चिपकेगा इन स्थानों पर, ट्रोपोनिन यहाँ से हटेगा, तब यहाँ पे ये स्थल यहाँ पे जुड़ेगा, तब क्या होगा मांसपेशी के अंदर संकुचन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब देखो पेशी के संकुचन की जो क्रियाविधि है इसको कम्प्लीटली हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई पेशी के अंदर संकुचन किस प्रकार से होता है, ठीक है। ये हमारे सामने पेशी संकुचन की क्रियाविधि है यहाँ पे, और चीज़ें थोड़ी समझने की कोशिश भी करना, चीज़ें पीछे की याद है तो ये आसानी से सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको और पढ़ते हैं इसको। देखो पेशी संकुचन की क्रियाविधि को आपके एक मिनट ये थोड़ा हाइलाइटर इसमें अच्छे से काम भी नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है, चलो इसको ही चला लेते हैं पेन को, है ना, चलो ये ले लेते इसमें ये कलर, चलो यही कलर ले। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। सर्पी तंतु सिद्धांत का मतलब एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के ऊपर इस प्रकार सरकेगा तब आपके क्या होगा यहाँ पे संकुचन होगा। देखो अभी मैं इसके अंदर ही आपको एक वीडियो बताऊँगा जिसके कारण ये संकुचन की क्रियाविधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा फिर। तो इसके अंदर है क्या यहाँ पे कि जिसके अनुसार पेशी रेशों का संकुचन पहले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। पेशी रेशों का जो संकुचन है पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से, ये मान लो मोटा तंतु है मेरे सामने और एक और तंतु, ये मान लो मेरे सामने यहाँ पे एक पतला तंतु है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये पतला तंतु है मेरे सामने ब्लैक वाला और ये गोल्ड वाला आप देख रहे होंगे यहाँ पे मोटा तंतु, ठीक है।
इस पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से, अब ये पीछे की ओर सरकेगा तब मांसपेशी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे संकोचन। इस प्रकार इसके ऊपर सरकेगा तब मांसपेशी के अंदर क्या होगा, संकोचन। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका, आपने देखा होगा हमारे ब्रेन के अंदर एक तो सेंसरी न्यूरोन होती है और एक मोटर न्यूरोन होती है, ठीक है। मोटर न्यूरोन का एक पार्ट क्या होता है, मांसपेशी के अंदर जो सार्कोलेमा वाला आवरण होता है वहाँ से जुड़ा होता है। तो आप देख सकते हो मोटर न्यूरॉन है, पेशी रेशा के जो सार्कोलेमा वाला भाग होता है, मैंने आपको बताया था सार्कोलेमा पहले पेशी की संरचना के अंदर, उस संधि को यहाँ पे तंत्रिका पेशी संगम या प्रेरक अंत्य पट्टिका। मान लो कि भी ये हमारे सामने मोटर न्यूरॉन है, मतलब मस्तिष्क से आने वाली न्यूरॉन है इस प्रकार से, और ये क्या करती है इसके इस भाग से इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ी होती है, ये आपकी इस प्रकार से क्या होती है, इस भाग से यहाँ पे जुड़ी होती है। तो इन दोनों का एक संधि स्थल बन गया ना यहाँ पे, इस प्रकार से क्या हुआ, इन दोनों का एक संधि स्थल बन गया, ठीक है। अब ये जो संधि स्थल बना, मतलब ये तो हमारे सामने पेशी सार्कोलेमा और ये हमारे सामने एक मोटर न्यूरॉन प्रेरक न्यूरॉन आ गया, तो ये संधि स्थल बन गया। अब यहाँ से क्या होगा कि ब्रेन से कोई भी अगर रेस्पॉन्स आएगा तो इस संधि के ऊपर आएगा यहाँ पे, ये बात आपको एक बार यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस संगम पर क्या होता है, एक तंत्री के संकेत पहुँचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटिल कोलिन मुक्त होता है, इस बात को ध्यान में रखना। पेशी के अंदर संकुचन होगा तो एक तंत्री के संचारी पदार्थ मतलब रासायनिक पदार्थ मुक्त होगा, और उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या होता है यहाँ पे, तो नाम आप ध्यान में रखना यहाँ पे एसिटिल कोलिन, एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% आपको एकदम फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ें मैं आपकी लाइनें नहीं छोड़ रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको लाइन टू लाइन कवर कर रहा हूँ, शायद ही आपको ऐसा कंटेंट और कहीं मिल पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें कवर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कवर हो गई तो आप कहीं पर भी आप ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 21 मिनट का वीडियो कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। अभी ये कंप्लीट भी हो जाएगा, लगभग आधे या 35 मिनट का बनेगा ये, आधे घंटे या 35 मिनट का। अब देखो मुक्त होता है एसिटिल कोलिन मुक्त होता है जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव उत्पन्न करता है, मतलब सार्कोलेमा उसके अंदर एक प्लस और माइनस वाला एक आवेग उत्पन्न कर देगा। आपने सोडियम पोटेशियम पंप भी पढ़ा होगा शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसमें भी आपने देखा होगा बाहर की तरफ प्लस मतलब अंदर की तरफ प्लस, बाहर माइनस, ऐसा आवेश आता रहता है ना, वो क्रिया विभव उत्पन्न हुआ वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, आपकी क्रिया विभव उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि यह समस्त पेश रेशे पर फैल जाता है, ये जो क्रिया विभव होता है प्लस माइनस आवेश, ये पूरे रेशे पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम आयन्स पीछे बताया था, ठीक है, ये कमेंट्स करके बताना कहाँ पे बताया था और किससे रिलेटेड था वो कैल्शियम आयन, जिसके कारण यहाँ पे कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं और कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु, अब ध्यान में रखना कैल्शियम आयन के अंदर जैसे वृद्धि होगी तो एक्टिन तंतु के ऊपर जो ट्रोपोनिन जुड़े हुए थे ना, आपने देखा होगा इस प्रकार की संरचना बनाई थी मैंने अभी सर्पिलाकार, उसके ऊपर इस प्रकार आपकी तंतुनुमा संरचना थी और इसके ऊपर तीन तीन का इस प्रकार ग्रुप था एक संरचना का, उसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ये जो ट्रोपोनिन है तीन का ग्रुप की उप इकाई से कैल्शियम बंद आपके बनाकर एक्टिन से ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। अब इसके साथ में जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम प्लस टू आयन जुड़ेगा तो जोड़ने के कारण ये यहाँ से हट जाएगा, और हट जाएगा तो यहाँ पे जो सक्रिय स्थल होगा मायोसिन के लिए वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीट्स एक्टिन के खुले स्थानों से क्रॉस सेतु सेतु बंद बनाने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। इस चीज़ों को देखो समझना है यहाँ पर, ये हमारे सामने क्या है यहाँ पर एक्टिन तंतु, ठीक है, और ये हमारे सामने क्या है यहाँ पर मायोसिन। मायोसिन के अंदर तीन एडीपी प्लस एक आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप और आ गया तो एटीपी बनेगा यहाँ पे। अब एटीपी यहाँ पे हमारे सामने बन गया, और सॉरी उल्टा बताया ना, तो ये एटीपी बनाएगा आगे, इसमें एटीपी बनाएगा यहाँ पे, तो इसमें देखो यहाँ पे जैसे ही ये इसके स्थानों से जुड़ेगा तो ये मायोसिन प्रोटीन क्या हुआ, इसके स्थानों से जुड़ गया, जिसके कारण क्रॉस सेतु का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली ये जो प्रोटीन है हमारे सामने, ये ऊपर वाली प्रोटीन पीछे की ओर खिसकेगी, और पीछे की ओर खिसकेगी तो इसके अंदर बेंड तो आएगा ना यहाँ पे, ये देखो बेंड आ गया इसके अंदर यहाँ पे, और इसके अंदर बेंड आएगा यहाँ पे, तो बेंड आने के कारण अब वापस इसको यहाँ से मुक्त भी तो होना पड़ेगा वापस, और मुक्त करने के लिए यहाँ पे एटीपी जुड़ेगा, और एटीपी जुड़ेगा तो वापस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। आप देखो इसको यहाँ पे इस एक मैं वीडियो बताना चाहूँगा, आप उस वीडियो के थ्रू आप इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करना, शायद मेरे हिसाब से आपको ये कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे समझ में आ पाएँ, और फिर आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा सर किस प्रकार से होता है।
वॉइस मैंने बंद कर दी है इसकी। ये हमारे सामने मांसपेशी है, इसको आप समझने की कोशिश करना। ये जो चीज़ें यहाँ पे आपकी दिख रही हैं, ये मांसपेशी मसल्स है आपके सामने, और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ शायद मेरे हिसाब से कॉपीराइट भी नहीं आना चाहिए वीडियो के ऊपर, क्योंकि कॉपीराइट आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो फ्री पढ़ा रहा हूँ, शायद कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, क्रेडिट भी देना पड़ेगा शायद इस वीडियो का इसको। ये आप देख सकते हो इसके ऊपर, ये जो गहरी पट्टियाँ आप देख रहे हो, ये गहरी पट्टियाँ यहाँ पे ध्यान में रखना, कौन से बैंड, ये आपकी मायोसिन हो जाएगी, ठीक है। ये मायोसिन, ये यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन, अब देखो ये आपकी जनरेट हो रहा है इम्पल्स, मतलब आपकी तंत्री क्या वेग, ये तंत्री क्या वेग उत्पन्न हो गया भाई इसके अंदर। अब ये देखो ट्रोपोनिन, हमने अभी ट्रोपोनिन पढ़ा था ना, वो ट्रोपोनिन, ये कैल्शियम आयन आकर के जुड़ा इससे, जिसके कारण ये फ्री हो जाएगी, ये यहाँ से हट जाएगा। ये देखो यहाँ से हट गया, ये सक्रिय स्थल हो गए, ये मायोसिन बॉन्डिंग साइड देखो एकदम फ्री स्थल हो गई, ठीक है। आसानी से अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, इन चीज़ों को आप समझ, देखो ये मायोसिन, ये खाली जगह यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कुछ। अब क्या होगा, ये आपकी एडीबी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ेगा, आप देखना इन चीज़ों को, ये यहाँ पे जुड़ गया। अब क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट आपके इधर जाएगा, इधर किसके का, तो इसके अंदर बैंड तो आएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर बैंड आएगा, ठीक है। आप चीज़ों को देखो यहाँ पे वीडियो देखो, ये बैंड आ गया इसके अंदर, ठीक है, और एडीपी क्या हो गया नीचे। अब इसको अलग करना पड़ेगा वापस, तो अलग करने के लिए यहाँ पे एटीपी जुड़ेगा, अब आकर क्या जुड़ेगा यहाँ पे एटीपी, जिसके कारण ये यहाँ से वापस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। देखो एटीपी जुड़ेगा वापस आकर, ये एटीपी, ठीक है। तो ऊपर वाला ये आप देखना अब यहाँ पे, कि ऊपर वाला जितना भी आपकी ये जो प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा कौन सा प्रोटीन है, एक्टिन, और ये नीचे वाला जितना भी प्रोटीन है, ये कौन सा है यहाँ पे, मायोसिन प्रोटीन, कौन सा है, मायोसिन, ये एकदम सीधा। अब ये क्या होगा, ऊपर वाला बार्ट फिर आगे जाएगा, क्योंकि मांसपेशी के अंदर संकुचन करना है तो पूरा संकुचन करते हैं हाथ के अंदर, तो उसी प्रकार से बताया गया है, ठीक है। ये पूरा पार्ट अब आगे की ओर जाएगा इधर, एक मिनट रुक गया, हाँ ये जा रहा है देखो आगे की ओर, ठीक है। ये फिर से देखो ये आगे की ओर खिसका, ये एटीपी फिर से जुड़ा, इसको फिर से फ्री कर दिया। सॉरी भाई, थोड़ी सर्दी जुकाम लग गई अभी गर्मी की वजह से। तो ये कम्प्लीटली संरचना आपको यहाँ पे मैंने बता दी है, और इसको आप आसानी से डायग्राम के थ्रू मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखना, सारी चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वापस मैं उस थ्योरी की तरफ ही आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पर, और थ्योरी है वो कम्प्लीट करते हैं पहले। तो हमारे सामने यहाँ पर ये आपकी संरचना आ गई कम्प्लीटली, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे संकुचन होगा, और संकुचन के कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्लीट जो संरचना है इसके अंदर यहाँ पे संकुचित होता है, और ऊपर के चरणों से स्पष्ट है, पेशी के छोटा होते समय अतः संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई होती है वो क्या होती है, यहाँ पे कम होती है, आई बैंड की लंबाई तो कम होती है, जबकि ए बैंड होता है उसकी स्थिति कोई चेंज नहीं होती, मतलब जैसा था वैसा ही रहता है, क्योंकि आई बैंड हल्का है और ए बैंड क्या थोड़ा मोटा है, यहाँ पे गहरा है। अब एडीपी है, ये आपके फॉस्फेट के साथ मुक्त होकर मायोसिन विश्रामावस्था में वापस चला जाता है, और एटीपी के बनने से क्रॉस सेतु टूटते, मैंने बताया था क्रॉस सेतु मतलब जो जुड़ा हुआ होता है जो आपके पीछे की ओर जाता है वो, उसको अलग करना है तो वापस एटीपी जुड़ेगा वहाँ पे आकर। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित कर पेशी के और संकुचन के लिए क्रिया को दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेगी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम के अवशोषण से एक्टिन से वापस क्या हो जाता है, फ्री, मतलब एक्टिन से जो मायोसिन जुड़ा होता है उसको वापस क्या कर देते हैं, यहाँ पे फ्री। अब देखो मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर, कौन सी चीज़ें और ध्यान में रखनी, हमारी मांसपेशियों के अंदर क्या होती है कि भी बार बार आपके उत्तेजित होने के कारण ग्लाइकोजन के अवयव विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और जिसके कारण थकान, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मांसपेशियों के अंदर थकान किस कारण से उत्पन्न होती है। अब पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का मायोग्लोबिन होता है, इसको नोट कर लेना, ये 100% मैं कहता हूँ चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, कि भाई पेशी में ऑक्सीजन है उसको भंडारित करना है, तो एक लाल रंग का वर्णक होता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, मायोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को क्या करती है, भंडारित। और कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण वे लाल रंग की दिखाई देती है, और लाल रंग की दिखाई देने के कारण उन पेशियों को हम कहते हैं यहाँ पे लाल पेशी या रेड मसल्स कहा जाता है। अब रेड मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया अधिक हैं यहाँ पे तो ऑक्सीशोषण अधिक होगा, और ऑक्सीशोषण अधिक होता तो एटीपी के निर्माण है तो भंडारण के लिए ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती है, इसलिए इन पेशियों को वायुजीवी पेशियाँ भी कह सकते हैं, ध्यान में रखना।
अब दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण वे हल्के रंग की या श्वेत रंग की प्रतीत होती है। इस कारण से हम इनको यहाँ पे श्वेत पेशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? श्वेत मसल्स, वाइट मसल्स या फिर श्वेत पेशियाँ कहा जाता है। अब श्वेत मसल से मतलब इसके माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या कम और पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती है और अवायवीय विधि द्वारा क्या करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इस कंटेंट को पूरा आपको ध्यान में रखना है। अब रेड मसल्स दो तेज दौड़ने वाले होते हैं उनमें रेड मसल्स ज़्यादा होती है, जो धीरे दौड़ते हैं उनमें वाइट मसल्स ज़्यादा होती है। ये बात भी आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान में रखनी। और सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। अब भी आपका कोई डाउट है तो आप इसके अंदर पूछ सकते हो, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा और भी कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट्स ज़रूर करें, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।